अजय देवगन एड में जो विमल खाते हैं वो असल में मिल्क पाउडर होता है। कोल्ड्रिंक के एड में ये जो बर्फ होती है ये असल में प्लास्टिक की होती है। और क्यों 5 रुपए के चिप्स के एड को बनाने में करोड़ों लग जाते हैं। बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 3, आइस क्यूब। आपने कोल्ड्रिंक के एड में उसकी बर्फ देखी होगी, लेकिन ये जो बर्फ है ये एक्चुअली में प्लास्टिक की होती है। दरअसल एक एड को शूट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इसीलिए वो बर्फ पिघल जाती है, और इसीलिए इसकी जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टिक के क्यूब नॉर्मल बर्फ से ज्यादा अच्छे भी दिखते हैं। साथ में इसके ऊपर पानी छिड़का जाता है ताकि ऐसा लगे कि ये बर्फ की वजह से पानी आया है और एड्स और भी ज्यादा रियल लगे हैं। नंबर 2, एड देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है और ऐसे एड्स में कितना ही खर्च आता होगा क्योंकि इसमें ना ही कोई बड़ा सुपरस्टार होता है, लेकिन इन एड्स को शूट करने के लिए कई मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो, और इसीलिए इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। और इन एड्स को बनाने के लिए कभी कभी प्लास्टिक चिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, आपने विमल का एड तो देखा होगा, पर इसमें जो विमल होता है ये खाली होता है, पैकेट में कुछ होता ही नहीं। इसके कई रीजन है। सबसे पहले कि एक्टर इसे खाने से मना करते हैं, और वैसे भी भरे हुए पैकेट के साथ एक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें सारी चीजें गिर सकती हैं। और इसमें जो इतना सारा केसर दिखाया जाता है, रियल में इतना केसर होता ही नहीं। और इसमें जो पैकेट दिखाई जाती है वो भी रियल विमल के पैकेट से साइज में थोड़ी बड़ी होती है, और इसमें हवा भी भरी जाती है ताकि ये भरा भरा दिखे। और इसके कुछ एड्स में तो विमल होते ही नहीं, उसकी जगह पर ग्रीन कलर के स्क्वायर शेप का यूज किया जाता है और फिर एडिट करके उसमें विमल के पैकेट्स डाले जाते हैं।